दोस्तों आज हम जो दो नई फिल्मों के बारे में बात करेंगे वो है दोस्ताना 2 और तानाजी, जिसमें मुख्य कलाकारों में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर, अजय देवगन, सैफ अली खान और सलमान खान। दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं फिल्म दोस्ताना 2 के बारे में। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे जानवी कपूर, कार्तिक आर्यन और लक्ष्य। लक्ष्य इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करने जा रहे हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे डेब्यूटेंट डायरेक्टर कॉले डिकुआ। वहीं करण जौहर ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट और इस फिल्म का स्टार कास्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया। वे काफी एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। दोस्ताना 2008 में आई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें लीड रोल में नजर आए थे प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का सीक्वल ओरिजिनल फिल्म से काफी हटके होगा और इस फिल्म का प्लॉट भी काफी अलग होगा। दोस्ताना 2 फिल्म की कहानी एक भाई बहन के इर्द गिर्द घूमेगी, जो एक ही लड़के के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये भाई बहन का किरदार जानवी कपूर और लक्ष्य निभाएंगे, जो कार्तिक आर्यन के प्यार में पड़ जाते हैं। इस तरह देखे तो इस फिल्म का प्लॉट ओरिजिनल फिल्म दोस्ताना से काफी अलग है। ओरिजिनल फिल्म दोस्ताना में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन गे होने का नाटक करते हैं, ताकि वे प्रियंका चोपड़ा के करीब आ सके। फिल्म के मेकर्स का मानना है कि टाइम बदल चुका है और होमोसेक्सुअलिटी पर लोगों का नजरिया भी बदल चुका है, जिसकी वजह से अब फिल्म मेकर्स को कोई झिझक नहीं है अपने फिल्म्स में होमोसेक्सुअलिटी को दर्शाते हुए, जिसकी वजह से दोस्ताना 2 की कहानी इस तरह दर्शाई गई है। ये पहली बार होगा जब जानवी कपूर और कार्तिक आर्यन एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या दोस्ताना 2 दोस्ताना जैसे ही एक बड़ी हिट फिल्म साबित होगी और क्या ये फिल्म लोगों को एंटरटेन करने में कामयाब होगी। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी दूसरी फिल्म की ओर, जो है तानाजी द अनसंग वॉरियर। ये एक बायोग्राफिकल पीरियड ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें अहम किरदारों में नजर आएंगे अजय देवगन, सैफ अली खान, काजोल और किरण राठौड़। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ओम राउत और इस फिल्म को म्यूजिक दे रहे हैं मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी अजय अतुल। इस फिल्म को प्रोड्यूस अजय देवगन, भूषण कुमार और किशन कुमार कर रहे हैं। तानाजी अजय देवगन का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वे इस पर काफी समय से काम कर रहे हैं। ये फिल्म साल 2020 तक रिलीज हो सकती है। इस फिल्म में अजय देवगन तानाजी के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी तानाजी की जीवनी पर आधारित है। इस फिल्म में तानाजी मालोसरे के जीवन के कई पहलुओं को चित्रित किया जाएगा। वहीं सैफ अली खान इस फिल्म में उदयभान राठौड़ का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जो एक नेगेटिव शेड वाला किरदार होगा। वहीं काजोल इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में सलमान खान छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में नजर आ सकते हैं, पर इस बात की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये एक बिग बजट फिल्म होगी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बजट ऑलमोस्ट 150 करोड़ तक का होगा। ये पहली बार होगा जब सलमान खान, अजय देवगन और सैफ अली खान साथ में एक फिल्म में नजर आएंगे। ये फिल्म 10 जैन साल 2020 को रिलीज होने के लिए शेड्यूल्ड है। देखना इंटरेस्टिंग होगा, इस पीरियड ड्रामा फिल्म में अजय देवगन अपनी एक्टिंग और एक्शन से लोगों का मन जीत पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये थी आने वाली दो नई फिल्मों की जानकारी। आप इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड है, आपके विचार नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा भी यूआर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूट्यूब समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।